वेलकम दोस्तों, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज का जो वीडियो है, तो मैं ग्रुप में शेयर किया हुआ था एक पोल के कौन कितने लोग जानता है कि डब्ल्यूडी गैन का जो लेवल है वो फॉरेक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादातर लोग वोट किया कि वो लोग जानता नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ छोटा सा कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो दिखाने के लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझको बोला था कि वो फॉरेक्स में काम करता है, वो फॉरेक्स के बारे में जानना चाहता है, और मैंने खुद भी देखा कि इसमें काम करना मुश्किल नहीं है बल्कि और भी आसान है अगर आपको नॉलेज ठीक से आता। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरेक्स में काम करने के लिए, मेरे लिए आसान हुआ है क्योंकि मैं प्लानिटरी लेवल जानता हूँ, उसका टाइम जानता हूँ। आपको कैसे लगेगा वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो इसमें और एक फैसिलिटी है कि इसमें आपको ज्यादा पैसे नहीं लगता है। जैसे मैं USDINR में काम कर रहा हूँ अभी, दो दिन किया सिर्फ, तो उसमें मुझको सिर्फ 1700 करके एक लॉट के लिए पड़ रहा है। तो पिछले दिन में दो लॉट लेके ट्रेड किया था, तो यहाँ पर मुझको 400 रुपी गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। और आज मैं तीन लॉट लेके काम किया, तो मैं बहुत लेट घुसा मार्केट में, तो मुझको फिर से वही 400 रुपी प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या है आपको देखिए, पहले उसके पहले मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हाल ही पे आपका RIS ब्रू का पार्टनर बना हूँ। मैं पहले भी बोला था आप लोग को, तो उसमें मुझको कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। तो आप लोग अगर मेरे अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटी क्या है आप लोगों को जो मिलेगा, आपको अगर किसी और कंपनी में जाएंगे और किसी और ब्रोकर के अंडर में जाएंगे, तो आपको आप देखेंगे कि उसमें अगर आप स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साथ करेंसी में काम करना चाहते हैं या कमोडिटी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग सा मार्जिन रखना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको अलग सा फंड में पैसा रखना पड़ता है। जो पैसे से आप कमोडिटी पे ट्रेड करेंगे वो पैसे से आप स्टॉक में नहीं ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको आपके पास जो पैसा है आपके फंड में, उसी से आप कमोडिटी या करेंसी या स्टॉक किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे स्किनर भी मिल जाते हैं जो लोग यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही मिल जाता है। तो और भी बहुत सारा आपको फैसिलिटी मिलता है जो बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ तो ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। और ये पार्टनर बनने के लिए वो लोग मुझको ऑफर किया था तो मैं एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि RIS ब्रू उतना बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है। RIS ब्रू का आपका ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम है, 15 रुपए है, तो ठीक है। हाँ, ट्रेडिंग पोर्टल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट IQ भी है, ट्रेडिंग व्यू भी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंडिकेटर कम है, लेकिन मुझको तो उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उतना इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफी है ये। ठीक है, तो चलिए जो बात बोलना चाह रहा था कि आज मेनली यहाँ पर आप तीन फॉरेक्स ट्रेड मतलब करेंसी मिल जाएंगे आपको, EUR/INR, GBP/INR और USD/INR, ये तीनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी होता है क्योंकि सब में नहीं होता है। ठीक है, और ये चीज हमारे इंडिया के लिए है। आप अगर फॉरेक्स में जाएंगे दूसरा ब्रोकर के अंडर, मतलब फॉरेन ब्रोकर के अंडर, वहां पर बहुत सारे करेंसी मिल जाएगा, बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन वो चीज रिस्ट्रिक्टेड है हमारा इंडिया में।
पहले तो और भी रिस्ट्रिक्शन था, तो फिर थोड़ा बहुत ओपन हुआ है। तो जो भी है, हमको आपको दिखा दे क्या है। तो पहले बात, आज तो यूरो आइनर में कोई लेवल ही नहीं था, प्लानिटरी लेवल जो आपको मैं दिखा सकूं। जीबीपी आइनर में था, ये दो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं था। इसके लिए मेरा और एक चीज ऐड करना पड़ता तो मैं नहीं किया। और यूएसडी आइनर में बहुत अच्छा काम किया मेरा लेवल, ये दोनों लेवल ही वो आज यूज हुआ। तो उस ऊपर में यहाँ पर देखिए, टाइम भी देखिए 12:50। मैं जो आपके साथ चार्ट शेयर किया था या बाद में मैं आपको बोला था, 12:55 या 12:59 के तो लगभग वो रिवर्स करना चाहिए था। तो रिवर्स यहाँ पर किया, देखिए कितना अच्छा से, ठीक है, यहाँ पर प्राइस में लेवल भी मैच किया तो रिवर्स किया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड के लिया जो मुझको प्रॉफिटेबल हुआ भी। लगभग मैं जब रूम में आया, मैं बाहर था, लगभग यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया। और यहाँ पर जब देखा कि मैं ये रिवर्स कर रहा है, लगभग यहाँ पर, यहाँ के अंदर लगभग यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया। जो भी हो, तो ये था प्लानिटरी लेवल। लेकिन प्लानिटरी लेवल तो अभी आपको मैं नहीं दिखाया है। ये प्लानिटरी लेवल, ये मेरा खुद का रिसर्च है, स्क्वायर ऑफ 9 यूज करके। ये मैं, हम मेरा कोर्स का जो स्टूडेंट होगा उन लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसके साथ सर्वोत्तम चक्र को कैसे यूज किया जा सकता है, आपको टाइम कैसे मिलता है, वो सब दिखाऊंगा। जो भी हो, आप यहाँ पर देखिए कि मैं आपके साथ दो चीज शेयर किया हूँ। एक है डब्ल्यू डी गैन का स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 9 कह रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ 9 का जो स्टैटिक लेवल है, और एक है डायनेमिक लेवल, है ना। तो वो स्टैटिक लेवल और डायनेमिक लेवल आप यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि यहाँ पर प्राइस कैसे मूव करता है। यहाँ पर प्राइस का थोड़ा अलग सा हलचल है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ डेसिमल के बाद दो ही डिजिट दिख रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पर और दो डिजिट दिख जाता। तो आपको जानना है, पहले यहाँ पर आप लिखिए, गूगल में सर्च कीजिए मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ यूएसडी आईएनआर, लिख दीजिए। ये तो करेक्ट वर्ड नहीं है, करेक्ट वर्ड ये होता मिनिमम टिकर साइज, ठीक है। ये भी देखिए क्या देता है, टिकट नहीं, टिकर। पहले आ गया तो देखिए, मैं इसका मतलब आपको बोल रहा हूं, नहीं मिल रहा है, 1 मिनट। या पर मिनिमम टिकट साइज शायद नहीं है, नहीं है इस पेज में, ठीक है। तो दूसरा वाला पेज में जो खुला था, देखिए
ओ मिनिमम फ्लक्चुएशन बोल के अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ठीक है आप वो जो टिकर साइज टाइप किया है हम लोग वो टाइप करने से क्या आया था, ये वाला पेज आया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये आप पढ़ेंगे तो मिनिमम जो फ्लक्चुएशन है, जो जैसे हमारा स्टॉक में अगर कोई शेयर या इंडेक्स जो मूव करता है जब ट्रेड होता है, तब अगर मिनिमम आप साइड अगर जाएगा या डाउन साइड जाएगा तो उसमें मिनिमम 5 पैसे से मूव करता है, मतलब 0.05 रुपीज। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा कि 0.0025 रुपीज, इतना पैसे से ये मूव करता है, ठीक है मिनिमम। इसी को पिप साइज कह जाता है, ठीक है ये देखिए यहाँ पर इसी को मिनिमम फ्लक्चुएशन है, इसी को टिक साइज कहा जाता है। टिक साइज मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक हो, कॉमोडिटी हो या आपका करेंसी हो, कोई भी, अगर वो चीज जितना मिनिमम पैसे से मूव करता है, मतलब यहाँ पर 0.0020 पैसे से नहीं मूव करेगा, 0.0025 और इसका मल्टीपल से मूव करेगा, मतलब 0.0025, 0.005 या 0.0075, ऐसे करके इतना पैसे से बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ऐसे करके आप अगर हमारा स्टॉक में देखिए तो वहां पर किसी चीज का अगर प्राइस आप पकड़ लेके 10 रुपए है या 10 रुपए 50 पैसे है, तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो 10 रुपए 55 पैसा होगा, या 10 रुपए अगर घटेगा तो 10 रुपए 45 पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा 10 रुपए 51 पैसा, आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मिनिमम प्राइस है जिससे बढ़ता है या घटता है, इसको टिक साइज कहा जाता है, TIC के टिकर मैंने लिख दिया, वो गलती हो गया, तो ये इसको टिक साइज कहा जाता है। तो इसमें है टिक साइज कितना है, 0.0025। अगर ये स्टॉक में देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी लिख दे, पॉइंट जीरो फाइव, ओके मैं जो बोल रहा था मतलब 5 पैसे, तो ये दोनों में ये अंतर है। तो अभी अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ता तो 0.05 को ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन हमारा इंडियन करेंसी के मतलब स्टॉक का जो मूवमेंट है वो इतना ज्यादा हो गया, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक, तो उसको उस पे ये एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 0.0025 पैसा, इसको लेकर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, 0.0025 मतलब क्या है, ऊपर दे देता हूं पॉइंट, एक मिनट, 0.0025, ठीक है। इसको अगर आपको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर तो उस तरह इसके से मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 25 ऊपर में और नीचे है 25/1 जीरो पॉइंट के बाद कितना नंबर तक गया है, 4 नंबर तक, मतलब 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है। अगर 25 से लेके ये 10,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/400, मतलब 1 रुपए के, 1 रुपए को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसी हिसाब से वो मिनिमम फ्लक्चुएशन होता है आपका करेंसी में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं तो ज्यादा एक बार में 0.0025 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 400 है ना, ये डिवाइड कर देते हैं, जो
प्राइस ज्ञान का जो लेवल होता है वो उसको 400 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक बंदे ने मुझसे शेयर किया था, ये गलत है, ये उनको मैं बता दूंगा ग्रुप में कि क्यों गलत है। तो ये वाला सही है। देखिए ये 315 डिग्री का जो एंगल है, यहाँ पर जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर है, और 135 डिग्री में का जो एंगल है, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इवन नंबर का स्क्वायर प्लस वन है, और यहाँ पर ऑड नंबर का स्क्वायर है। मैं वीडियो में जो बोला इन्होंने एकदम करेक्ट किया, ये मेरा दोस्त कह सकते हैं, ठीक है, थैंक यू उनको। तो जो भी है वो फॉर्मेट भी बहुत अच्छा किया, देखने में अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करें, तो इसी को हम कॉन्वर्ट करेंगे, ये स्टैटिक लेवल है, इसी को हम कॉन्वर्ट करेंगे। पहले ऊपर में डिग्री लिख ले आगे, पहले 0, उसके बाद 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, ठीक है। तो 0 और 360 तो एक ही है, जो भी हो। तो 0 में कि जो है हम क्या करेंगे, उसको पहले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 400 से, ठीक है। जो भी आए वो आपको नहीं देखना। उसके बाद 45 को है, 45 में लेते हैं, 45 डिग्री में जो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं 400 से, ऐसे करके सबको कर दे, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार कर लिया तो उसके बाद सबको सिलेक्ट करेंगे, फीस देंगे, ठीक है। तो जितना आना चाहिए था वो काफी हो गया। तो जो भी है हम लोग एक इस यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं इसको, कॉलम है, इसको फिक्स कर देते हैं। कहाँ पर, कहाँ से करेंगे, यहाँ पर व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके फ्रिज पेन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्रिज पेन है टॉप रो, फ्रिज टॉप रो, ओके, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या, इससे क्या होगा, अगर हम डाउन भी करेंगे कुछ भी करेंगे ऊपर वाला रो हमको दिख जाएगा। तो इसमें हमारा डिग्री है कितना एंगल में है, ये नंबर वो दिख रहा है, तो ठीक है। तो इसमें हम क्या करने क्या क्या करेंगे, पहले कौन सा लेते हैं आप बोले, यूएसडी आईएनआर लेता है। तो यहाँ पर आप प्राइस कितना है, देखिए 74.86, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि 74 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 74.86, 82, ये 315, ये तो नहीं आया, छोड़िए। देखिए इसको नाम भी दे देते हैं, एक काम, हो गया, हमको समझ में आ गया ये 315 डिग्री एंगल है, पीस कर देते हैं। तो व्यू क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है।
इसके बाद क्या है देखते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। इसको 360 डिग्री हम बोल सकते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही है। और उसके बाद ये, और ये तो सेम ही है। इसके बाद है 45 डिग्री, इसमें ये टॉप बनना चाहिए इसके अंदर, देखते क्या होता है। नहीं, थोड़ा ऊपर हो गया। तो ऐसे करके आप लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए क्या आता है, 101.18। आप इसका एक काम कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री है, इसका हाफ ले सकते हैं या 30 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कौन सा एंगल, कौन कौन सा एंगल इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मेरा ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या वीडियो का कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन सा एंगल इम्पोर्टेंट है मैं आपको बोल दूंगा। दूसरा एंगल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट मतलब प्राइस का रेशियो तो बहुत कम है, तो इसके लिए आप छोटा एंगल भी ले सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक नंबर यूज करना है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 101.18। तो स्टैटिक शीट में चलते हैं, क्या देखते हैं, 101.18, ये तो नहीं होगा, 101.255 देखते कहाँ पर दिखता है। अच्छा, क्या था, वाह बहुत अच्छे से गिरा ना। इसके बाद क्या, कहाँ पर था, ये 0 डिग्री था, ये 45 डिग्री था। यहाँ पर ही सपोर्ट लिया। इसके बाद था 60 डिग्री, नहीं, इन्होंने 60 डिग्री नहीं दिया, तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, जो भी है हम निकल लेते हैं। ये दोनों का बीच में यहाँ पर कहीं 60 डिग्री होगा, नहीं जी बीच में नहीं, शायद लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं स्टैटिक लेवल। एक बार ड्रॉ करने से आपको, आप अगर सेव कर देंगे तो वो सब सेव हो जाएगा। और एक चीज था, मैंने बोला था डायनेमिक लेवल, तो देखते हैं डायनेमिक लेवल कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो आप वो वाला प्राइस नहीं दे सकते, डायनेमिक लेवल आप लेते हैं कोई भी ओपन वाला प्राइस या पिछले दिन का क्लोज वाला प्राइस, जो भी हो। मैं तो अभी यूज नहीं करता हूँ, तो एक मेरा सब्सक्राइबर ने बोला कि ओपन वाला प्राइस लेने से अच्छा होगा, होता है। मैं बोला था पिछले दिन का क्लोज वाला प्राइस, अब जो भी हो देख सकते। मैं बोला था पिछले दिन का क्लोज वाला प्राइस पहले लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। 101.3 ये पिछले दिन का क्लोज था, तो ये नंबर पे तो वो वाला नंबर आप बिठा नहीं सकते, तो वो तो मैच नहीं करेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप वो प्राइस दे सकते हैं 101.3, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दिस आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय 400, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक ही तो मैंने बोला, स्क्वायर रूट, हाँ ठीक है। तो चलिए हमारा रिजल्ट ये सब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 400 से डिवाइड कर देते हैं, 400, ओके।
देखते किस दिन ऐसा आता है, नहीं आएगा, दोनों दो करना पड़ेगा मिनिमम। अरे सेम प्राइस क्यों आ रहा है? ओ ये मेरा शीट में शायद कोई गलती होगा, ठीक है हम अभी ठीक कर देते हैं। ठीक ही है, C11 और M30। ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। मिनट, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया पहले, तो ये चीज आप लोगों से शेयर किया किए थे ना, हम कैसे डायनेमिक लेवल आप बनाए, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों को लेके आप फीस दीजिए तो आ जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। ठीक तो हम जो कह रहे थे इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर और एक डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइडेड बाय 400, ठीक है ये दोनों को लेकर हम फीस देते हैं। ये ऑफर भी हम वही करते हैं, डिवाइडेड बाई 400। ठीक है ये मेरा लेवल निकल गया, तो पिछले दिन का क्लोज था 101.30, तो आज क्या होता है देखते हैं। हाँ से शुरू हुआ, हम वही लेंगे, 101.19 से शुरू हुआ लगभग, वहां पर ऊपर में देखें
ये प्राइस हम ले लेते हैं, क्लोज वाला प्राइस। इसका कलर भी अलग कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। हम समझ जाएंगे ये क्लोज था पिछले दिन का। इसके ऊपर वाला प्राइस ठीक है, उसका ऊपर वाला प्राइस कौन सा है? नहीं मिला। इसका बीच में तो 60 डिग्री है ना? हाँ नहीं, इसका ऊपर है। ठीक है, जो भी है, 30 डिग्री भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा देख लेना आप लोग, वो ये शायद 120 डिग्री है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री लेने का कोशिश करते हैं। 60 डिग्री कौन सा होगा? पहले तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका 60 डिग्री के लिए प्लस 0.333, इसको टोटल को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं कितना होता है। ये 90 डिग्री वाला ही ले लेते हैं। ये 60 डिग्री आता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया। मैं और नहीं दिखा रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, वो दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों को। तो जो भी है, हम आपको दिखा दिया कैसे करते हैं। तो ये जो डायनेमिक लेवल है और ये जो स्टैटिक लेवल है, तो ये आप थोड़ा मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने दिखा दिया है ये कैसे तैयार करना है, आप लोग तैयार कर लेना। और जो मेरा दोस्त ये मुझसे शेयर किया, उनको शुक्रिया, बहुत अच्छा उन्होंने ये बनाया है। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैं कि मेरा जो कोर्स है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगा, सैटरडे से। तो यहाँ पर मैं WD ज्ञान का कैलकुलेशन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेरा रिसर्च शेयर करूंगा। और ये मेरा कोर्स का फीस होगा 15,000, 3 इजी इंस्टॉलमेंट पे आप दे सकते हैं 5,000 करके। पहले वीक में तो शायद थोड़ा इंट्रोडक्शन या बेसिक सा चीज ही होगा शेयर बोलना है। अगर मैं दूसरा वीक में भी, मतलब 5 तारीख के बाद क्या होगा, फ़रवरी में दूसरा वीक, मतलब जो 12th जो डेट है, सैटरडे 12 फरवरी, उस दिन का क्लास अगर शुरू हो गया, उसके बाद मैं स्टूडेंट नहीं ले सकूंगा। और ये कोर्स का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा सबसे, 2 महीने का कोर्स होगा मिनिमम। जब तक ये सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं कर पाऊं तो तब तक तो कोर्स चलेगा। हर वीक 2 क्लास, 2 आवर मिनिमम। तो आप अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या, आज का वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूं, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं मेरा चैनल में, और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।